मसल ट्विचिंग या मांस फड़कना, ये क्या चीज है? इसके लिए कब किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए या नहीं फिक्र करना चाहिए? तो इस वीडियो में इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। मैं डॉक्टर मनवीर भाटिया, अ सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर दिल्ली। तो अक्सर हम ये पेशेंट्स देखते हैं जो बहुत परेशान या घबरा जाते हैं ये मसल ट्विचिंग के बारे में। तो क्या फीचर्स हैं जब ये सिग्निफिकेंट हो जाती है या इम्पोर्टेंस है, और क्या फीचर्स हैं कि जब हम इसको बहुत गौर ना करें? तो जो ट्विचिंग बहुत इनफ्रीक्वेंट है, मीनिंग कभी कभी होती है, कुछ महीनों में हुई फिर खत्म हो गई, कभी किसी एरिया में हुई कभी किसी एरिया में हुई, कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है, और खासकर अगर मसल्स बहुत टायर्ड, आपने एक्सरसाइज किया तब हो गई, या बहुत डिहाइड्रेशन और या कुछ डायरिया वगैरह के बाद हुई, तो दोज आर बहुत फिक्र करने के लिए नहीं जरूरी। बट अगर ये मसल ट्विचिंग परसिस्टेंट, मतलब एक जगह में काफी समय तक सेम पॉइंट पे रह रही है और उसके साथ दूसरे मसल एरियाज या बॉडी के पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, और फिर उसी हाथ या पैर में कमजोरी महसूस हो रही है या गड्ढा दिखने लग पड़ता है, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि समझा जाए कि ये बीमारी क्या है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए एक तो डॉक्टर देखते हैं, दूसरी कुछ टेस्ट होते हैं जो नर्व्स टेस्ट बोलते हैं, मसल टेस्ट बोलते हैं, जिसको नर्व कंडक्शन स्टडीज और EMG बोलते हैं। इसके साथ हमें कुछ हद तक पता चल सकता है कि ये क्या कारण है, और जब कारण मिलेगा तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो उम्मीद रखती हूँ कि ये आपको कुछ हेल्प होगा कि कब डॉक्टर को मिलना चाहिए ये मसल ट्विचिंग को लेके। थैंक यू।